बहुत बड़ी खबर है, खासकर ये इनका आरोप जो कि इंडियन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। लेकिन जितेंद्र शर्मा इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, सीबीआई की एक टीम गई है जहां तक हमारे पास जानकारी है, डोमिनिका और इसके अलावा उनके पास रेड कॉर्नर नोटिस भी वो लेकर गए हैं। क्या क्या इनपुट आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई के अलावा ईडी की टीम वहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा सीआरपीएफ के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। कुल 8 सदस्य टीम वहाँ पर गई हुई है और बाकायदा मेहुल चौकसी से जुड़े जितने भी कागजात हैं, एफआईआर कॉपी है, इसके अलावा उनके खिलाफ जितने भी नोटिस जारी किए गए, एनबीडब्ल्यू जारी किए गए, रेड कॉर्नर नोटिस, ये तमाम डॉक्यूमेंट जो टीम है, 8 सदस्य टीम, वो इस वक्त लेकर डोमिनिका के अंदर मौजूद है, कोर्ट के अंदर मौजूद है और वो तमाम कागजात अदालत के सामने रखे गए हैं। लेकिन खास बात यह कि डोमिनिकन जो काउंसिल है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इसका भारत में ही डिपोर्ट किया जाना चाहिए, वापस एंटीगुआ नहीं भेजाना चाहिए, जो कि एक अच्छी खबर है क्योंकि भारत लगातार कोशिश यही कर रहा था, हमारी भी तमाम जांच एजेंसियां लगातार कोशिश यही कर रही थी कि किसी भी सूरत में मेहुल चौकसी का भारत में ही प्रत्यर्पण किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए, डिपोर्टेशन किया जाए। जी आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास। मनीष, एक इनपुट जो हमारे पास आ रहा है वो ये है, और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि अपेरेंटली मेहुल चौकसी के जो लॉयर हैं उन्होंने डोमिनिका में जो विपक्ष के नेता हैं उनको ब्राइब किया है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। देखिए निशांत, मैं आपको बताऊं कि शायद ही कभी ऐसा डोमिनिका के इतिहास में भी रहा होगा कि डोमिनिका के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी बहुत मजबूती के साथ एक आरोपी के पक्ष में दलील दे रहे हैं। वो आज की तारीख में जब सुनवाई हो रही है तो कोर्ट कैंपस में मौजूद है। इतना ही नहीं बल्कि जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे, जो मेहुल चौकसी ने, देखिए पैसे के बल पर मेहुल चौकसी क्या क्या कर रहा है, मेहुल चौकसी ने पहले के जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, थोड़ा सा इसको मनीष हम लोग इसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज कर दे, भारत से लूटे हुए पैसे के दम पर। जी हाँ बिल्कुल, भारत से लूटे हुए पैसे के दम पर, क्योंकि उसके पास 13,000 करोड़ है, तो उस पैसे से उसने डोमिनिका के जो अपोजिशन पार्टी है उसके एक सीनियर लॉयर को, जो कि उस समय अटॉर्नी जनरल थे पहले, उसको हायर किया, उसको मोटी रकम दी और साथ ही साथ लॉबिंग करने के लिए फीस दी वो उसने उस व्यक्ति को, ताकि अपोजिशन लीडर मेहुल चौकसी के सपोर्ट में वहां पर बयान दे रहा है। अब आप एक बात देखिए कि अगर एक बार यह मान लिया जाए कि एंटीगुआ का सिटीजन है तो एंटीगुआ तो मांग नहीं रहा है, तो फिर डोमिनिका के लीडर ऑफ अपोजिशन किसके लिए पैरवी कर रहे हैं? वो इसलिए पैरवी कर रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी के एक नेता को, जो वकील हैं, मोटी फीस दी जा रही है ताकि उनके पार्टी को इलेक्शन फंड में काफी सारा पैसा मिले। आप जो बता रहे हैं, लेकिन वैलिड पॉइंट है आपका। मैं अभिषेक उपाध्याय से क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। अभिषेक, इस सबके बीच मुझे लगता है मैटर यही करता है कि वहां की सरकार क्या कहती है, भारत की सरकार और डोमिनिका की सरकार के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है, हमारे पास क्या क्या लीगल एविडेंसेस हैं, और डोमिनिका में कोई भी लीगल राइट्स मेहुल चौकसी के पास है ही नहीं, क्या ये क्लियर कट केस नहीं है? बिल्कुल, देखिए मनीष जो बता रहे थे वो उसमें वो महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि डोमिनिका ही नहीं बल्कि एंटीगुआ में भी ये आरोप है कि विपक्षी पार्टियों को फंड किया है, और इसीलिए एंटीगुआ जाने के लिए वो ज़्यादा परेशान है कि एंटीगुआ में बाकायदा उसके पुराना बैकअप है। देखिए मेरे पास वहाँ के जो प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन है उनका ये मैसेज है, ये उन्होंने रात में भेजा है, और इसमें उन्होंने बाकायदा डिटेल लिखा है निशांत, और इसमें उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है, वहाँ के प्रधानमंत्री ने जो मैसेज भेजा है इसमें उन्होंने यूपीपी पार्टी का जिक्र किया है और लिखा है किस तरह से चौकसी ने फंडिंग की है, किस तरह से जो बदमाश कैंडिडेट हैं, जो कानून तोड़ने वाले हैं, उनको चौकसी ने पैसा दिया है और वहाँ की किस तरह से राजनीति को डोमिनेट कर रहा है। और इतना ही नहीं निशांत, उन्होंने एक चिट्ठी भी मुझे भेजी है और ये चिट्ठी उन्होंने खुद लिखी थी बतौर प्रधानमंत्री। आप सोचिए कि वहाँ की पैरेलल पॉलिटिक्स कितनी पावरफुल है, बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने चिट्ठी लिखी है एंटीगुआ के, और इस चिट्ठी की तारीख है 14 अक्टूबर 2019, और इस चिट्ठी में मेहुल चौकसी के हवाले से वो क्लियर लिखते हैं निशांत कि आप जो है इसकी जो नागरिकता दी गई है इस नागरिकता को रद्द किया जाए, क्योंकि ये तथ्यों को छुपा करके दी गई है, इस चिट्ठी में ये लिखा है उन्होंने। अब ये सोचिए, ये चिट्ठी वो लिखते हैं 14 अक्टूबर 2019 को, हम आ गए हैं 2021 तक, अब तक वहां पर कोई एक्शन नहीं हो सका है, तो आप यूं समझ लीजिए कि कितना जो पॉलिटिकल जो 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 पॉलिटिकल है
वो कितना ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रांग है, जो पॉलिटिकल नेटवर्क है वो कितना स्ट्रांग है। ये जो चिट्ठी है ये उन्होंने मुझे रात में भेजी है और ये बहुत कुछ अपने आप में बयां करती है। कई सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन ओवरऑल अपने दर्शकों को एक क्विक अपडेट देते हैं। यहाँ पर मेहुल चौकसी को लेकर वहाँ की सरकार ने सीधे तौर पर यह कहा है कि इसे भारत भेजा जाना चाहिए, कोर्ट में कहा है। रही बात कोर्ट की लीगल राइट्स की, तो मेहुल चौकसी के पास डोमिनिका में कोई भी लीगल राइट्स नहीं है। विपक्ष जो है और विपक्ष के बड़े नेता, वो मेहुल चौकसी के फेवर में बकायदा कोर्ट में खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि अपेरेंटली ऐसे आरोप लग रहे हैं कि उनको पैसा खिलाया गया है, ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन इस बीच भारत से एक जांच टीम, बल्कि इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है, तमाम प्रूफ सबूत इंटरपोल के नोटिस के साथ। कुछ ही देर में बहुत सारी जानकारी और सामने आ रही है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभिषेक, मनीष और जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज की रात लंबी होगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।